चुनाव नजदीक आते ही विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के पक्ष में आम सभाओं को संबोधित करने के लिए स्टारक प्रचारकों द्वारा लगातार आम सभाएं संबोधित की जा रही हैं। विगत 31 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंदसौर जिले की गरोट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया गया था। वहीं मंदसौर जिले की चारों ही विधानसभाओं में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आम सभा को संबोधित करने के लिए मंदसौर में पहुंचे थे। इसी को लेकर के अब लगातार प्रत्याशियों के पक्ष में आम सभाओं को संबोधित करने के लिए स्टारक प्रचारक लगातार आम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और मंदसौर जिले के पल्हारगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जगदीश देवड़ा के पक्ष में जगदीश देवड़ा के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने के लिए गुजरात से बीजेपी से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 7 नवंबर 2023 को मल्हारगढ़ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के पक्ष में नारायणगढ़ में आम सभा को संबोधित करें, जिसकी जानकारी स्वयं भाजपा प्रत्याशी विधानसभा मल्हारगढ़ से जगदीश देवड़ा द्वारा अपनी सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर दी गई है। AP 100 TV लाइव मंदसौर जिला संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की रिपोर्ट।